देखिए सबसे पहले तो वो सब नेताओं को तो बुला लें, कमलनाथ जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और इसीलिए दिग्विजय सिंह है नहीं, बाकी कांग्रेस के नेता है नहीं। वैसे ये इंटरनल मामला है, इस देश में हर एक व्यक्ति को प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, अपना विरोध जताने का भी अधिकार है, पर विरोध किस बात का? मुद्दा तो हो, केवल इसलिए कि हमें अपनी राजनीति चमकानी, इसलिए प्रदर्शन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही मायने में आए फ्लोर पर बात करें, कमलनाथ जी विधानसभा तो आते नहीं है कभी, इस फ्लोर पर बातचीत करें ना एक बार, तो वो अपना मुद्दा बता दें। केवल अपनी राजनीति चमकाना और फोटो खिंचवाना, इसके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए यदि राजनीति करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने हर समय नेहरू परिवार की परंपरा को का पालन करते हुए इस देश के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में नीचे दिखाने का काम किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि एक राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता जो सांसद है, वो देश के लोकतंत्र पर फॉरेन में जाकर, विदेश में जाकर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और राहुल गांधी इतनी लोकतंत्र की फिक्र कर रहे हैं, तो ये तो बता दें कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो क्या था? वो क्या लोकतंत्र को सुशोभित किया जा रहा था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में फेडरल सिस्टम, देश का कानून, देश का संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को जिन ऊंचाइयों तक नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है, शायद पहले किसी सरकार ने नहीं पहुंचाया। और राहुल गांधी जी अपने व्यक्तिगत एजेंडे के लिए देश के मान और सम्मान को तिलांजलि दे रहे हैं, इससे ज्यादा और घृणात्मक काम कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने देशद्रोह का काम किया है, व्यक्त नहीं होता है, तो विषय आएगा तो विचार करेंगे, कोई ऐसा विषय आया नहीं है, आएगा तो कार्यमंत्रणा समिति विचार करेगी। सर बजट पे आज चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि बाबा चर्चा से बस्ती। देखिए आप सब देख रहे हैं कि विपक्ष के पास ना विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करता है, ना विकास के मुद्दों पर चर्चा करता है। विपक्ष पूरे समय हो हल्ला हंगामा करता है, कोई भी विकास के मुद्दों पर चर्चा विपक्ष नहीं करता है, ना महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं, ना बजट पर चर्चा करते हैं, सिर्फ हो हल्ला और हंगामा करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ना गंभीर है विपक्ष, ना विपक्ष के पास कोई जनता के मुद्दे हैं, और इसलिए हो हल्ला हंगामा करते हैं। इतना ऐसा विपक्ष हमने पहले कभी नहीं देखा, और बिल्कुल विपक्ष गंभीर नहीं है विधानसभा के प्रति, जनता के प्रति जरा भी गंभीर नहीं। मुद्दा क्या है? घेराव कर रहे हैं तो मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बताएं, कोई मुद्दा है नहीं है। घेराव कर रहे हैं तो बिना मुद्दा के घेराव कर रहे हैं, मुद्दा कुछ है नहीं। मेट्रो को लेकर तैयारी आपने पूरी? आज देखिए, आज बड़ौदा में जो एलस्ट्रोम कंपनी है वहाँ पर आज से मेट्रो कोच बनने का शुभारंभ हुआ है, और 31 अगस्त 2023 को कोच आ जाएंगे, और सितंबर फर्स्ट वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ट्रायल रन प्रारंभ होगा। सर नेत्र प्रतिपक्ष सहयोग मांग रहे हैं स्थानीय दल से कि आज उनका प्रदर्शन है, तमाम विधायकों को वहाँ पे जाना चाहिए, तो आप लोग का भी सहयोग को मांग रहे हैं कि वहाँ पे हसनंद से जाने का सहयोग क्या? 1 बजे सहयोग मांग रहे हैं आप लोगों से कि 1 बजे तक सदन की कार्यवाही चले, उसके बाद वो प्रदर्शन अब ये तो कार्यमंत्रणा का विषय है, बातचीत होगी, ऐसा कोई परंपरा नहीं है। हमारे साथी है रितेश जैन जी, मुझे एक बात बता रहे थे कि 2016 में जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी विधानसभा में उनका प्रवचन हुआ था, उन्होंने उस समय फरमाया था कि लोकतंत्र एक पक्षी जैसा है, अगर एक पंख पक्ष का है दूसरा पंख विपक्ष का होता है, और अगर दोनों काम करेंगे साथ में, दोनों को अधिकार मिलेगा, तो ही लोकतंत्र हमेशा जीवित रहेगा और विकास भी ऊंचा उठेगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जो घटनाक्रम हुआ था पिछले सेशन में,
जब बिना कोई कारण के, बिना तथ्य के जीतू पटवारी जी को सदन से निलंबित किया गया था, जबकि उस घटना के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं सदन के बीच में, भाषण के बीच में नियम पुस्तिका फेंक रहे हैं बीच सदन के अंदर, क्या ये सही है? क्या ये संस्कार है उनके विधानसभा की जो कार्रवाई के? विपक्ष ने मांग की थी कि जो संसदीय कार्य मंत्री उनको निलंबित किया जाए, साथ में हमने मांग की है कि स्पीकर साहब के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो। इसके साथ साथ जो आज प्रदर्शन किया जाएगा भोपाल में राज्यपाल भवन का जो घेराव किया जाएगा, उसका मूल उद्देश्य यही है कि ये जो पिछले 3 साल से जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश पर राज कर रही है, हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकार सौदे की सरकार है। ये सरकार बनी है धन बल के आधार पर, सौदे के आधार पर, जनता को एक तरफ गुमराह करके कि सरकार बनाई गई है। और जब से ये सरकार मध्य प्रदेश में है, किसान परेशान है, पीड़ित है, किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। यही भाजपा के लोग कहते थे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उल्टा भाजपा के राज में किसान की आय आधी हो चुकी है, लागत दोगुनी हो चुकी है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि अगले 7 महीने लगातार कांग्रेस के हर एक नेता जमीन पर जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और पुनः सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बनेगी। धन्यवाद। जा ही नहीं सकते, अब मैं अभी अध्यक्ष जी से चर्चा करूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी का भी फोन आया था, बात करना है, तो क्या चर्चा होगी उसके बाद हम निर्णय लेंगे। हम चाहते हैं कि सदन शांतिपूर्ण से चले, सार्थक चर्चा हो, और चर्चा होती है तो प्रदेश के हित में, शोषित गरीबों के हित में तमाम निर्णय होते हैं। हम तो हमेशा से हमारी मांग रही है कि सदन लंबा चलाया जाए ताकि प्रदेश के कल्याण के विषयों पर चर्चा होकर निचोड़ निकले और आम जनता के लाभान्वित करने के लिए योजना है। जीतू पटवारी क्या खेत व्यक्त करना चाह रहे हैं? शामिल आप जीतू पटवारी खेत व्यक्त करना चाह रहे हैं क्या सर? अब जो जीतू पटवारी जब आएंगे तब आप पूछ लेना उनसे क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं वो सदन में नहीं आ सकते तो क्या किस नहीं, नहीं आ सकते तो अब हम देखेंगे। हम साथ हो जाएगा इस पूरे मामले का जल्द उम्मीद हो सकती है, हो सकता है। आज घेराव हो रहा है आप लोग राजभवन से। हम लोग 1 बजे तक सदन में कार्यवाही में सम्मिलित रहेंगे। 1 बजे के बाद हम चाहेंगे अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से कि जब उनकी पार्टी के कभी कोई प्रोसेशन प्रदर्शन रहे हैं तो हम लोगों ने उनकी बात स्वीकार करके सहयोग किया है। प्रजातांत्रिक पद्धति में एक दूसरे का सम्मान करना सभी दलों का कर्तव्य धर्म है। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो विशाल हृदय दिखाते हुए, जो अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, पूरी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी को मध्य प्रदेश में पूरा सम्मान स्वागत VIP ट्रीटमेंट दिया और पूरा खर्चा भी कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए उठाया। 3 दिन सम्मेलन चला पूरे सम्मेलन में, तो जब कांग्रेस सहृदयता से काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार कांग्रेस के आंदोलन प्रदर्शनों में सहयोग करना चाहिए। सर, आप विपक्ष के नेता हैं तो क्या जीतू बजट के ऊपर सारगर्भित चर्चा हो और जो खामियां बजट में रखी हैं शिवराज चौहान ने, उन खामियों को उजागर करके बजट में नए प्रावधान कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि सदन जितने दिन के लिए घोषित है उतने दिन चले, लेकिन बीजेपी साजिश पूर्वक सदन को बाधित करके चलाना नहीं चाहती, जिससे नरोत्तम मिश्रा ने किताब फेंक के नेता प्रतिपक्ष को मारने की कोशिश की। ये इस तरह की हरकतें इसलिए की जाती हैं कि इन्हें चर्चा कराने से डर लगता है, पर हम चलाएंगे। बेमौसम जो बारिश हो रही है, सर्वे जल्दी हो मुआवजा मिले। देखिए, मैं खुद मेरे क्षेत्र में भी देवास जिले के सोनगंज विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, हम लोग उसी समय पहुँचे, अधिकारी को निर्देशित किया, लेकिन यहाँ जो शिवराज चौहान जी का वो है, ये निर्देश है, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये फसल लेट गई है लेकिन नष्ट नहीं होगी,
ये धूप लगेगी तो फिर खड़ी हो जाएगी। बड़े गजब के कृषि वैज्ञानिक मध्य प्रदेश में शिवराज के इशारे पे ये अपनी भाषा बोलते ताकि इनको मुआवजा ना मिल सके, वो मामला भी उठेगा। देश के अंदर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को प्रताड़ित कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई ने किसान की लागत 3 गुना बढ़ा दी है। सरकार ने वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री शेरपुरा में आए थे, मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि जब 2022 होगा किसान की आय दुगनी कर देंगे। उस समय 1700 रुपए क्विंटल गेहूं था तो 1700 के 3400 होते हैं। हमने मांग करी है कि आज उसको कम से कम कहीं ना कहीं 3000 तो करा जाए। और मार्केट में जब बिक रहा था तो सरकारी गेहूं को डाल के उसकी कीमतें खत्म कर दें। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें चैनलों पे और दूसरी जगह मुख्यमंत्री करते हैं कि हमने सर्वे के आदेश दे दिए। जिस दिन पहले दिन ओलावृष्टि हुई मैंने सवाल उठाया कि सरकार डायरेक्ट मुआवजा दे, इसके ऊपर निर्देशित करे। और जब फील्ड पे हम क्षेत्र में जाते हैं, अभी विधानसभा बनती है, हम क्षेत्र में थे तो कलेक्टर से बात करो तो बोले हमें अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, तहसीलदार से बात करो तो कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ और बोले हम नेत्रांकन सर्वे कर रहे हैं। मैंने कहा सर्वे क्या होता है नेत्र, बोले बस हम यूं ही देख रहे हैं कि अगर कुछ आदेश आएगा तो उसके बाद पालन करेंगे। सरकार अभी तक उसके आदेश नहीं दे चुकी। 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे की बात नहीं करी और जले पे नमक छिड़कने का काम, जो जले पे नमक छिड़कने का काम है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बिजली के बिल के नाम पे 22-12-3 तारीख का मैं बता रहा हूं, बिजली के बिल बकाया राशि नहीं चुकाने पर कंपनी ने 5 मोटरसाइकिलें कुर्क करी। यहां पे दूसरी जगह हर जिले के अंदर मोटरसाइकिलें, किसी की बाइक है, किसी की ट्रैक्टर, किसी की ट्रॉलियां, ये सब मोटर जब्त करने का काम चल रहा है। कि एक तरफ तो सरकार उद्योगपतियों को सीधे सीधे रियायत देती है, सीधे सीधे स्पष्ट उनको मदद करती है और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को चोरों की तरह देखती है और उनके साथ जो इनका व्यवहार है, जो बिजली की कुर्की करने का, इसके खिलाफ मैं सदन में ध्यान आकर्षित करने आया हूं कि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं चलेगा, लूट करने से नहीं चलेगा। गेहूं की कीमतें 3000 रुपए क्विंटल देनी होगी, ये कुर्की बंद करके किसान को फ्री बिजली देनी होगी और कहीं ना कहीं 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा इस फसल नुकसानी पे देना होगा। अब फसलें जब कट जाएगी उसके बाद सर्वे करेंगे, कब सर्वे करेंगे ये सवाल है। मुंह ना चलाए, सीधे सीधे आदेश पारित करें।